अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। आज हम आपके सामने एक नया स्केल लेके आए हैं केस का, तो I-116 मॉडल है, तो इसकी कैलिब्रेशन भी करेंगे और आपको तौर तरीका बताएंगे किस तरह इसकी कैलिब्रेशन की जाती है। सबसे पहले कांटे को हम ऑन करते हैं। कांटा आपके सामने ऑन हो रहा है। आपके सामने 00 मोड में शो कर रहा है। अभी इसका वेट आपको चेक करवाएंगे कि कितना इसका वेट है। 10 kg का वेट हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, तो 9 kg 50 g शो कर रहा है। वेट पहले उतार देते हैं हम इसका। वेट उतारो बेटा, बच्चे ने वेट उतार दिया। ये आपके सामने 00 मोड में शो कर रहा है, तो चलो इसकी कैलिब्रेशन भी करते हैं। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहता चलूं कि हमारे यहाँ हर तरह के विंग स्केल की कैलिब्रेशन की जाती है, हर तरह के विंग स्केल की रिपेयरिंग की जाती है, हर तरह के इंडिकेटर की रिपेयरिंग की जाती है, लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल रिपेयरिंग की जाती है, विंग स्केल के ऑल पार्ट्स की रिपेयरिंग की जाती है। लोग किस तरह से विंग स्केल में चीटिंग करते हैं और लोग किस तरह से विंग स्केल में फ्रॉड करते हैं, ये सब कुछ सीखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हाजी ग्लोबल स्केल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले कांटे को ऑफ करके ऑन करना चाहिए। ये हमने ऑफ करके आपके सामने ऑन किया है। कांटा आपके सामने ऑन हो चुका है। उसके बाद ये बटन है आपके सामने, 6 बटन है, तो इनमें से 2 बटन हम CE और AQ को दबाएंगे तो D5 लिखा हुआ आ गया। इसको हम अप डाउन कर सकते हैं 0 की मदद से और टेयर की मदद से, तो देख रहे हैं आपके सामने यह कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 5 यहाँ पर लिखे, 5 के पोजीशन पे हमें ऐसे रखना है, तो 5 हो गया। 0 अगर लगाएंगे तो 0 टेयर की मदद से आ सकता है। जितना चाहें उतना इसमें कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम 5 डिवीज़न रख देते हैं। फिर DP लिखा हुआ गया, यहाँ पर 2 हैं, इसको भी हम कम ज़्यादा 0 की मदद से कर सकते हैं। ये आपके सामने कम ज़्यादा हम कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर होल्ड की मदद से आगे गए, तो ये 300 kg कैपेसिटी है, 300 kg कैपेसिटी। फिर हम 0 की मदद से 3 लिखकर फिर आपके आगे करेंगे, तो कैपेसिटी बढ़ानी हो तो बढ़ा भी सकते हैं आप। ये देखें, हम इससे बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी जितनी आप रखना चाहें। तो हमने 400 kg कैपेसिटी रख रहे हैं इसके ऊपर। ये देखें, 400 kg रख दिया, होल्ड के दबाया तो नो लोड लिखा हुआ। जैसे ही आपके सामने नो लोड लिखा हुआ आ जाए तो प्लेटफार्म खाली होना चाहिए। उसके बाद एक मरतबा टेयर का बटन, होल्ड का बटन दबाएं। जैसे ही लोड लिखा हुआ आ जाए तो उसके बाद इसके ऊपर वेट रखें। बेटा वेट रखो 10 kg का, बच्चे ने 10 kg का वेट रखा है आपके सामने। उसके बाद एक मरतबा होल्ड का बटन दबाएं और थोड़ा सा छोड़ दें, खुद ही वेट आ जाएगा। ये देखें 9 kg आ रहा है, तो फिर 0 की मदद से यहाँ पर वेट लिखें। 0 से 1 लिखा और 0 टेयर से आगे लिखे तो ये 10 kg लिखे हुए। फिर होल्ड का बटन दबाएं 2 मरतबा तो ये टेयर आ गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वेट आपके सामने मुकम्मल कैलिब्रेशन हो चुकी है। तो अगर इसकी और मालूमात आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। 10 kg हमने उठा दिया, फिर आप देख रहे हैं 00, फिर एक मरतबा आपको चेक करवा रहे हैं। ये 10 kg रख दिया, ये आपके सामने 10 kg फिक्स शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर फरमाइएगा। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।